बिहार के कई जिलों में हुई घंटे भर की बारिश के बीच मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर जलजमाव हो गया और नालों और सड़कों का भेद मिट गया। बारिश से हुए जलजमाव के कारण कई बाइक व साइकिल सवार गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हुए। जलजमाव में कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए। प्रत्येक वर्ष नगर निगम प्रशासन शहरवासियों से शहर में जलजमाव की स्थिति पैदा नहीं होने देने के दावे करता है, पर हर वर्ष उनके खोखले दावों की पोल थोड़ी सी बारिश में ही खुल जाती है। जब पहले मानसून में यह हाल है तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे शहर की स्थिति नारकीय हो, वह भी तब तक शहरवासी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और एईएस चमके बुखार से जूझ रहा है। जिले भर की स्थिति लगभग एक जैसी ही है, जबकि नगर निगम यह दावा कर रहा है कि 2 से 3 घंटों में शहर का सारा पानी निकासी हो जा रहा है, जबकि वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। घंटे भर की बारिश में शहरवासियों को जल प्रलय जैसी स्थिति का एहसास करा दिया। शहर की शायद ही ऐसी कोई सड़क गली होगी जहां जल जमाव ना हो। मोती झील तो झील बन गया। वहीं कल्याणी, धर्मशाला, चौक, सदर अस्पताल रोड, तिलक मैदान रोड, जवाहरलाल रोड, गोला रोड, कल्याणी, बनारस बैंक चौक, क्लब रोड में घुटने भर तक जल जमाव हो गया है। जल जमाव से त्रस्त कई लोगों ने नगर निगम को दोषी ठहराया तो कई लोगों ने विधायक सह नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को। स्थिति में जनता का ये हाल है, क्या होगा? हम लोग तो काफी दिनों से नगर निगम प्रशासन को बोल रहे हैं कि बरसात से पहले नाला वाला उड़ाई के लिए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हम लोग खुद फंसे हुए पानी में। नहीं तो बहुत ज्यादा है, ओल्ड आदमी हाथ पर टूट जाए, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन नगर निगम से? नगर निगम से पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। विगत कई वर्षों से यही हाल है मुजफ्फरपुर का, ज्यादा हो रही है, हम लोग को जाने आने में भी हो रहा है, कपड़े ऊपर करके जाने पड़ रहे हैं, जबकि हल्की बरसात हुई है। और यहाँ पे भी ट्रैफिक का भी बहुत प्रॉब्लम है। लॉकडाउन 3-4 महीना आज कंटिन्यू दुकान बंद रहा, उसके बाद अभी दुकान चालू हो रहा है तो देख लीजिए बारिश का हाल। इतने परेशानी हो रहा है, इतना परेशान हम लोग है, क्या करे, किसको बोले समझ में नहीं आता। बीती रात शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित कमरा मोहल्ला स्थित लोइस गेट के धंसने से अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। सूचना पर वार्ड 16 के पार्षद पवन कुमार राम समेत नगर निगम के अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कमरा मोहल्ला स्थित स्लुइस गेट का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने बताया कि स्लुइस गेट के आंशिक भाग को क्षति पहुंची है, जिसे गंभीरता से लिया गया है, का अवलोकन किया जा रहा है। अभी कोई खास चिंता का विषय नहीं है, सिंचाई विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समेत नगर निगम प्रशासन लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, समय रहते सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। जल जमाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पानी का बहाव 2 से 3 घंटों में निकल जा रहा है। आम दिनों में जो समस्या देखी जाती थी उसमें कमी आ गई है। पिछले वर्षों की तुलना में 2 से 3 घंटों में पानी की निकासी हो जा रही है। और सिंचाई विभाग के द्वारा इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया है और कल शाम से ही ये लोग लगे हुए हैं। नगर निगम की बहुत चिंता का विषय है, अतः हम लोग भी लगातार इसका अवलोकन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी तेजी से काम सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अभी कोई खास चिंता की विषय नहीं है और अभी लगातार जो पानी का जो बहाव है वो लगातार जारी है, तो हम समझते हैं कि समय रहते हुए सब कुछ ठीक कर देगा। तो कहा जाता है बाढ़पुर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, पहले ही मूसलाधार बारिश में ये स्थिति हुई है। ये संरचना है और हम समझते हैं सिंचाई विभाग पहले से भी बहुत सतर्क रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते हुए इसको ठीक कर लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसका लगातार इस पर ध्यान दिया जा रहा है और उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। निगम भी अपने स्तर से इस पर लगातार उसको देख रहा है। हम समझते हैं कि बारिश से पहले जो बड़ी बारिश है उससे पहले इसको बहुत जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार काम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास समस्या आएगी। शहर में सब तरफ से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। शहर में आप देखेंगे कि जो बारिश जब हो रही है तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटों में जो जल जमाव है उसकी शिकायत खत्म हो जा रही है। पानी का बहाव 2 से 3 घंटे में निकल जा रहा है। जो आम दिनों में जो समस्या देखी जाती थी उसमें काफी कमी आई है। शनिवार दोपहर हुई घंटे भर की मूसलाधार बारिश के बीच लकड़ी ढाई माई स्थान के पास चंदवारा टीचर ट्रेनिंग परिसर में लगे एक विशालकाय वृक्ष 11,000 वोल्ट के तार पर गिर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। विशालकाय वृक्ष चार दीवारी के सहारे बिजली के तार पर लटका हुआ है। वार्ड 16 के पार्षद पवन कुमार ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि यह राहगीरों व आसपास के रहने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, पहले फीडर का लाइन काटा जाएगा, उसके बाद वृक्ष को काट कर हटाने की कवायद की जा रही है। एहतियात के तौर पर पेड़ के कटने तक आसपास के लोगों को घर से निकल जाने को कह दिया है। बारिश हो रही है, जिस
से कारण है क्या कि ये टीचर ट्रेनिंग कैंपस है और इसमें बड़ी सी पेड़ अभी जो देख रहे हैं पीछे मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये अभी जस्ट बारिश के कारण लगातार बारिश होने के कारण ये टूट के गिर गई है और इसे 33,000 वायर पे अड़ी हुई है, 11,000 के वायर पे अड़ी हुई है और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि प्रशासन से इसमें संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए और पेड़ को काट के हटाया जाए। नगर निगम के अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा? नगर निगम में अधिकारी आए थे, वो स्विच गेट कमरा मोहल्ला को जो क्षतिग्रस्त हो गई है कल शाम में उसको वो कल हमने SDO साहब DM साहब सारे बड़े अधिकारी को एक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि पुल का जो दक्षिणी हिस्सा जो है वो गिर गया है और उससे लगभग 6-7 वार्ड की पानियां वहां से निकलती है जो गिरने के कारण कल बाधित हो गई थी। अभी जब पूरे बड़े अधिकारी संज्ञान में लिए हैं वो कार्य चल रही है और लगता है कि वो सुचारू ढंग से चालू हो जाएंगे। पेड़ गिरने से आसपास के लोगों को क्षति होने का भी ये गरीब बस्ती है, ये लोग सरकारी बस्ती पे है, इसे हम प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी से इसको कटआउट करें, क्लियर करें, नहीं तो यहाँ जनमाल की क्षति हो सकती है। जो आसपास के घर वाले हैं उनको शायद खाली करा दिया गया है, आसपास के सारे लोगों को हमने बोल दिया है कि खाली करा लेने के लिए जल्द से जल्द हटाने के लिए, जब सब ढंग से हट जाएगी फिर यहाँ से वायर वगैरह सब सही ढंग से बिगड़ जाएंगे उसके बाद काम कर लिया जाएगा। भोजपुरी सिने अभिनेता खेसारी लाल यादव खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के पटना आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर पटना स्थित राजीव नगर रोड नंबर 6 के आवास पर उनके पिता और उनके परिजनों से मिलते हुए सुशांत सिंह राजपूत के मौत का शोक व्यक्त किया। वहीं सांत्वना देते हुए ढाढ़स भी बनाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए भोजपुरी सिने अभिनेता खेसारी लाल यादव ने यह कहा कि सुशांत के साथ यदि इस तरह की बातें हुई हैं तो यह ठीक नहीं है, मैं भी एक कलाकार हूं और कलाकार को समझता हूं। आपने क्या आवाज उठाया, ये सवाल है, ये आवाज क्या उठाया आपने, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाज क्या उठाया? बिल्कुल आवाज उठाया, मैं आज परिवार से मिलने आया हूं। क्या परिवार से मिलना अलग चीज हो गया, सांत्वना देना हो गया, लेकिन आपने आवाज क्या उठाया? आवाज अच्छा बताइए, मेरे ऊपर भी तो प्रशासन है, शासन प्रशासन एक बात बताइए, बिहार से उठे हैं, मैं स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा हूं, मैं स्ट्रगल करके बिहारी कलाकार मरा जा रहा है कि सुशांत को बैन कर दिया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। अंदर की बातें मैं भी नहीं जानता, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ भी ये चीजें होती रहती है, लेकिन ठीक है अगर वो जिंदा होते तो शायद इस बात का हम महसूस कर सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था, उनके प्रति क्या क्या हुआ था। बिहारी बाकी आप भी सुन ही रहे हैं, आप भी सुन ही रहे हैं, लेकिन जांच जब तक नहीं क्लियर होगी मैं कैसे किसी को दोषी बना दूं। मेरा बिहारी एक्टर जो बॉलीवुड में है वो अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए बाकी लोगों के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। अच्छा चलिए तो देखते हैं, नजर में बस एक लास्ट सवाल है, खेसारी लाल यादव जी एक लास्ट सवाल है, आप किसी को दोषी नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई मैं ऐसा नहीं के बाद आप दोषी बनाएंगे, लेकिन आखिर यार जो भी हुआ है आरोप लग रहे हैं हुआ है गलत हुआ है, चाहे जैसे गलत हुआ। देश के गांवों में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की गई। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम पंचायत से शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा। इस अभियान को मिशन मोड में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जब गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले से शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर से जो भी श्रमिक वापस आए हैं और क्वारंटीन सेंटर में रहे थे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बातचीत की। बातचीत के दौरान उन लोगों ने बताया कि बाहर में उन्हें काफी कष्ट हुआ है और अब वे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि मजबूरी में किसी को भी बिहार के बाहर ना जाना पड़े, लोगों को यही रोजगार मिले। केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं उन जिलों का चयन आप लोगों का ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया
कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है, कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परम पूज्य राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने एक संदेश में कहा कि नियमित योग करो और आज के संक्रमण से बचो। योग से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ती है। हमारे शरीर में परमात्मा ने सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता दी है। जब हम अपने खान पान आहार व्यवहार से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं शरीरम व्याधियम गृहम, इसलिए योग जीने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारा भोजन। आचार्य ने कहा कि हमारा शरीर शाकाहारी है। प्राचीन काल में संत महात्मा साग सब्जी फल फूल खाकर सैकड़ों वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीते थे। प्रभु श्री राम ने भी 14 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही वनवास में समय बिताया था। हमारा शरीर आसानी से फल फूल और शाकाहारी भोजन को पचा सकता है। मनुष्य मांसाहारी जीव नहीं है और न ही किसी प्रकार की नशा को पसंद करता है। साथ ही शरीर की प्रकृति ऐसी है कि जब कभी शरीर के रक्त में विकार उत्पन्न होता है तो उसे हल्का व्यायाम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए जीवन रक्षा के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही रक्त की विकृति निकलने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अभी एक प्रश्न आया कि योग क्यों करें, उसका सीधा सा उत्तर एक ही है। पतंजलि से पूछते हैं तो वे यही बताते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से मन शांत होता है। आज जो हम अशांति में जी रहे हैं, अगर योग करेंगे तो मन शांत रहेगा। दूसरा, कई लोग यह भी कहते हैं कि आजकल पेट की बहुत बीमारी चल गई है। कोई बीमारी नहीं होती है पेट की, आप तो केवल आलस्य कर रहे हैं। कुछ मत करें, भोजन के बाद जल का प्रयोग न करें। दूसरा, प्रातः काल जब सोकर उठते हैं तो गुनगुना पानी और तुलसी का पत्ता का सेवन करें, आप देखिएगा एसिडिटी कम होना शुरू होगा। तीसरी बात, पानी जब कभी भी पिए तो जिस प्रकार चिड़िया अपने चोंच से पानी पीती है धीरे धीरे, उसी प्रकार आप भी पानी पिए। कहते तो हैं यह कि जीभ से चाट कर पानी पीना चाहिए, जैसे नदी में बैल बाघ सिंह पानी पीता है। हम भी अगर वैसा करें तो लाभ क्या होगा कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं, उसमें से लार निकलेगा और पानी अमृत बन जाएगा। सुबह में सोकर उठते समय कुल्ला मत करें, पहले पानी पी लें थोड़ा, उसके बाद लार को भीतर जाने दें और उसके बाद तो फिर दूसरा काम करें। एक तो पेट की बीमारी नाम नहीं लेगी आपके निकट आने की। कोई भी पित्त की बीमारी, तीन प्रकार की बीमारी होती है, कफ पित्त और वायु। यह तीन प्रकार की बीमारी का नाश तभी होगा जब पानी पी लिया ठीक से आप। कई लोग कह रहे हैं कि पाँव में दर्द होता है, ठेबुने में दर्द होता है, होता होगा। यह शरीर में जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो उसमें दर्द हो जाता है, घिसने लगता है, वह तरलता कम हो जाती है। तो हम लोगों के आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा घी भोजन में मिला के, चावल में मिला के, थोड़ा घी को चावल में मिला के खाइए, ल्यूब्रिकेंट्स आपके शरीर में कम हो रहा है। कई लोगों को देखते हैं छाती में दर्द होता है, ऐसे भी हार्ट के बीमार लोग होते हैं, उनसे निवेदन यह है कि कभी भी आप बलपूर्वक व्यायाम मत करें, हल्का सा व्यायाम करें। और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम हो गया है आजकल अनुलोम विलोम, इसको करिए। और भी गहरा व्यायाम है, मैं कभी बताऊंगा आपको जो मैं करता हूं। और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने जब से सारी क्रियाएं करना शुरू की तो मैं बहुत पूर्णतः स्वस्थ हूं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे जितने मित्र हैं
प्रियजन है, बाल बच्चे, महिलाएं सब स्वस्थ रहें, लेकिन आपको भोजन स्वस्थ करना होगा, शाकाहारी करना होगा, व्यायाम करना ही पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। समय मिल जाए तो थोड़ा नासिका को भी साफ करने का प्रयास करिएगा, जैसे नाक झाड़ते हैं यह भी झाड़ते, कई लोग तो यह भी करते हैं, पेट की हवा बाहर फेंकते हैं, ऐसे करते हैं, पेट की हवा बाहर फेंकते हैं, पूरी जीभ निकालते हैं, अजीब निकाल के हवा बाहर फेंकते हैं, रात का जितना कचरा है भरा हुआ सब आपको बाहर आ जाएगा। आप देखिएगा 5 मिनट में आप कूदने लगेंगे, और चलना, व्यायाम करना, टहलना मत छोड़िए, क्योंकि वही हमको जीवित रखेगा और उसी को हम लोगों को पकड़ के रखना है, नियमित व्यायाम करना। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।